गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे वी विल डू कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस. फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स हैं, इंडोरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, जिसे कि हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी भी बोलते हैं, एंड फ्लेक्सिबिलिटी. फिजिकल फिटनेस का नेक्स्ट कंपोनेंट है स्पीड. स्पीड इज ए एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू परफॉर्म ए मूवमेंट ऑफ सेम पैटर्न एट फास्टर रेट. स्पीड जो है ये बेसिकली किसी भी पर्सन की मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपने लिम्स की कितनी फास्ट मूवमेंट करता है, उसी पे पर्सन की स्पीड डिपेंड करती है. स्पीड को दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करना ही स्पीड होता है. स्पीड जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है. ये स्पीड जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स एंड स्लो ट्विच मसल फाइबर्स पे. जिस पर्सन में जितने ज़्यादा फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होंगे उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिसमें स्लो ट्विच मसल फाइबर होंगे वो पर्सन जो होगा उसकी इंडोरेंस बेटर होगी. तो स्पीड जो है वो हम एक एक्सटेंड तक इम्प्रूव कर सकते हैं, बट अगर आप ये कहें उसमें ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं होता. स्पीड जो है ये फर्दर 5 टाइप में डिवाइड होती है. रिएक्शन स्पीड, स्पीड ऑफ मूवमेंट, एक्सेलरेशन स्पीड, स्पीड इंडोरेंस एंड लोकोमोटर एबिलिटी. फर्स्ट एग्जांपल हम शो करेंगे रिएक्शन एबिलिटी. रिएक्शन एबिलिटी का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर सिग्नल पे पर्सन कितना क्विकली रिएक्ट करता है. रिएक्शन एबिलिटी जो होती है ये 2 टाइप की होती है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल रिएक्शन एबिलिटी का मतलब ये होता है कि पर्सन पहले से ही रेडी होता है पर्टिकुलर सिग्नल पे रिएक्ट करने के लिए. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी का मतलब होता है इट इज द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली एंड एक्यूरेटली टू अनएक्सपेक्टेड सिग्नल. सो अब हम आपको एग्जांपल शो करेंगे विद द क्लैपर कि पर्सन कितनी फास्ट जो है वो रिएक्ट करता है सिग्नल पे और कितना क्विकली निकलता है रेसिस के लिए. एक्सेलरेशन एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू गेन मैक्सिमम स्पीड इन अ मिनिमम टाइम फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका एथलेटिक्स में रेसिस. जैसे ही पर्सन रेसिस में, स्पेशली स्प्रिंट रेसिस में, ब्लॉक से निकलता है और अपने आप को एक्सेलरेट करता है, अपनी स्पीड अप करता है, तो वो एक्सेलरेशन एबिलिटी कहलाता है. नाउ वी विल डू ऑफ स्पीड, इट्स कॉल्ड स्पीड ऑफ मूवमेंट, जिसे कि हम मूवमेंट स्पीड भी कहते हैं. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मसल टू डू अ सिंगल मूवमेंट इन अ मिनिमम टाइम. कि मिनिमम टाइम में सिंगल मूवमेंट जो होती है उसको स्पीड मूवमेंट कहते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल हम शो करेंगे बॉक्सिंग में. स्पीड का 4th टाइप है स्पीड इंडोरेंस. इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म द मूवमेंट एट द फास्टर स्पीड अंडर द कंडीशन ऑफ फिटीक. इट डिपेंड अपॉन स्पीड, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस. सो इसका बेस्ट एग्जाम्पल लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, साइकिलिंग एंड मैराथन है. स्पीड का लास्ट पार्ट है लोकोमोटर एबिलिटी. लोकोमोटर एबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर ए मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ टाइम और ड्यूरेशन. इसमें हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड को मैक्सिमम टाइम तक मेंटेन रखना, सेम स्पीड में मेंटेन रखना ही लोकोमोटर एबिलिटी है. इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस, स्विमिंग एंड साइकिलिंग. ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें इंडोरेंस भी है और इनकी स्पीड भी आ रही है.